वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले हैं निपन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के बारे में। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसके एक्चुअली काम को हम समझने वाले हैं। और इसका प्राइस चल रहा है 280 और इसमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें भी हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है और चार्ट पे भी हम नजर मारेंगे कि चार्ट में क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से बाइंग होनी चाहिए या फिर सेलिंग, वो सभी हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहिए। मार्केट कैप देखें तो 17,000 के आसपास यहाँ पे मार्केट कैप देखने मिले, यानी मिड कैप की कंपनी। और स्टॉक वैल्यूएशन देखेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से तो फेयर रेट पे चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। और ऑलरेडी स्टॉक में इतना करेक्शन आ चुका है, 476 रुपए का हाई है, 260 के आसपास का लो है और लो के आसपास ये स्टॉक अभी फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि आरओसी और कंपनी का काफी अच्छा है। डेप्थ फ्री कंपनी है, अभी डेप्थ नहीं है इस पे, ना 3 साल पहले था ना 5 साल पहले था। एसेट कंपनी पर अच्छा खासा है, रिजर्व भी यहाँ पे ठीक ठाक है। प्रमोटरी होल्डिंग 73% के आसपास है, 10 रुपए की फेस वैल्यू स्टॉक की। और डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी अनाउंस करती रहती है जिस वजह से आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 3.94% देखने को मिल रही है। प्लस परसेंटेज 0% और सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 16.7% बढ़ी है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस देखें तो मैनेज करती है ये ETF के अकाउंट, म्यूचुअल फंड मैनेज करती है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। पेंशन फंड में भी यहाँ पे बेसिकली कंपनी का काम। मार्च 2011 में 699 करोड़ की यहाँ पे आप सेल्स देख पा रहे हैं और प्रॉफिट देखिए 261 करोड़ का आया है। प्रॉफिट देखिए 711 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट देखिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है कंपनी का। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कंपनी स्टेप बाय स्टेप चल रही है और थोड़ा थोड़ा करके अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के हम इन्वेस्टर हैं, हमको थोड़ा थोड़ा करके परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए जिससे हमारा पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द 10 ईयर प्लस रहे। हमें यही चाहिए, 50% 60% रिटर्न हमें हर 2 साल में मिलता रहे, तो हमें ऐसी कंपनीज ही चाहिए। तो बिल्कुल सेल्स जिस तरह से दिख रही है, प्रॉफिट जिस तरह से दिख रहा है, हम कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस भी उसी बिहाफ पे हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए देखने को मिलना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q1 में रिजल्ट जो है उतने अच्छे नहीं है, मार्केट को उतने अच्छे नहीं लगे, तो इस वजह से सेलिंग भी देखने को मिली है। बट मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि कंपनी का लंबे टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको एग्जिट करने का मन करेगा। तो जब भी आप एज अ इन्वेस्टर सोच रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग इंटरवल का देखिए कि लॉन्ग इंटरवल में क्या हो रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो पहले 80% के आसपास थी 2019 के आसपास सितंबर मंथ में, और अभी देखेंगे तो 73.74% हो चुकी है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हो रही है, बट ये नहीं है कि बहुत तेजी से कम हो रही है। यहाँ पे हो सकता है अपने एसेट को इम्प्रूव करने में कंपनी लगा रही हो शेयर्स बेच करके, या फिर और भी कोई कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है काम कर रही हो। FI की होल्डिंग देखें तो 6.52% देखने को मिल रही है और FI पहले की तुलना में यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। 4.64% होल्डिंग FI की थी 2019 में सितंबर मंथ में और अभी देखेंगे तो 6.52% देखने को मिल रही है। DI बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, पहले की तुलना में आप देखिए होल्डिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 0.50-60% यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 10.68 थी और अभी देखेंगे तो 10.50 देखने को मिल रही है। जून मंथ में अगर आप देखेंगे तो 48,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल की गई है आशुतोष भरगवा के द्वारा, उसके बाद देखेंगे तो 4998 क्वांटिटी सेल की गई है, उसके बाद देखेंगे तो 1,48,000 क्वांटिटी सेल की गई है, उसके बाद 66,000 10,000 यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें सेल करते हुए देखने को मिल रही है। और ये सभी कौन है, डेजिग्नेटेड पर्सन है। तो कह सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे बेटर है, दूसरी कंपनी पैनी स्टॉक से एटलीस्ट कह सकते हैं बेटर है क्योंकि कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है साल दर साल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है और हमें वही देखने को मिलना चाहिए, वही हम चाहते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं आगे स्टॉक में क्या लेवल बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में। आज के स्टॉक के चार्ट में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का संकेत दिखे है लेकिन उसके बाद फिर संभल गया स्टॉक और फिर से अप ट्रेंड की घड़ी शुरू हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, उसके बाद जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसी लेवल के आसपास पूरे बहुत लंबे टाइम तक इसने ट्रेड किया, ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन इसने उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, तगड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। और मैं हमेशा आपको एक लर्निंग पार्ट बताता हूँ कि जब भी एक लेवल के आसपास स्टॉक आ करके उसी से सट करके ट्रेड करने लगे, समझ जाइए गिरावट के संकेत वहां से बन रहे हैं। ऐसा ही अगर स्टॉक मान लीजिए रेजिस्टेंस के आसपास आकर के उसी से सट करके बार बार ट्रेड कर रहा है, समझ जाइए अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार बार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी देखते हैं कि अभी क्या लेवल से बढ़ रहा है क्योंकि अभी का लेवल जानना काफी ज्यादा जरूरी है।
और यहां से अगर ये स्टॉक 267 ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में और इसमें गिरावट एक्सपेक्टेड है, बट मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इसमें गिरावट हो गया ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, क्योंकि इसका अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लाइन के आसपास रखा, यहाँ पे मैंने किया और इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा यहां तक बनेगा, तो अब मैं इसको यहां से मार्क कर दे रहा हूं, ये देखे ये एक प्रोजेक्शन है, तो मैक्सिमम अगर गिरावट होगी 264 तक होगी, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल उतना भी खराब नहीं है, यहाँ पे एक दो क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि खराब है, कंपनी अच्छा काम कर रही है और भविष्य में और अच्छा काम करने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो ऑल ओवर अभी ये स्टॉक बॉटम पे मिल रहा है, अभी लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ेगी इसको बाय करने की, बट मार्केट जब अप ट्रेंड में आएगा, जैसा कि आपको पता होगा न्यूज आप सुन पा रहे होंगे कि मार्केट अब बहुत जल्दी बुलिश होने वाला है, क्योंकि 17,000 के आसपास स्टॉक सॉरी निफ्टी आ चुका है, तो 17,000 सर्वाइव कर रहा है और आगे और 18,000 तक पहुंचता है, तो ये कंफर्म है कि निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में आ जाएगा और फिर मार्केट जो लोग क्रैश क्रैश कह रहे थे वो क्रैश ना दिख करके मार्केट फिर से बुलिश दिखेगा, तो जब मार्केट बुलिश होगा तो ये स्टॉक भी बुलिश हो जाएगा, तो ये जो लेवल है ना 270-280 के आसपास ये लेवल टूटते हुए देखने मिलेगा और स्टॉक काफी तेजी से रफ्तार के साथ ऊपर जाएगा। एक लेवल मैं इसमें और बना दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दे रहा हूँ, जिस बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक जोन रहने वाला है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 300 मान लीजिए, इसको 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर 300 का लेवल टूट जाता है स्टॉक काफी तगड़ा मोमेंटम दे सकता है, बट यहाँ पे रेड कैंडल भी दिख रही है क्योंकि रिजल्ट अभी आए हैं हाल में ही, तो यहाँ पे डरने की भी कोई भी बात नहीं है। बात करें एवरेज करने की तो देखिए एवरेज भी यहाँ पे किया जा सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्टॉक बॉटम पे है, बहुत ज्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है, यहाँ से अब स्टॉक का नीचे जाना बहुत कम चांसेस मुझे देखने मिल रही है, तो अगर आप चाहते हैं एवरेज करना तो जरूर इसमें कर सकते हैं, बट एक बार अपने एडवाइजर से परामर्श जरूर ले लीजिएगा। लेकिन एक चीज फोकस में रखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जा सकता, 264 के नीचे नहीं जा सकता, तो ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, बट ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है इनकरेक्ट भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट इज ऑल ओवर सप्लाई एंड डिमांड गेम, अगर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे जाएगा स्टॉक, डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली उस चीज पे डिपेंड हम लोग रहेंगे, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आगे इसमें क्या मूवमेंट बन रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस ये स्टॉक अब नीचे नहीं जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस, फिर से इस वर्ड पे फोकस करिएगा। यहाँ से टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट होगा 320.60, क्योंकि यहाँ तक स्टॉक आराम से जा सकता है, और समहाउ 320.60 अगर टूट जाता है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो 375 तक भी स्टॉक जा सकता है, तो जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, बट आफ्टर एनालिसिस जरूर इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, मेरे कहने से आपको इसमें बाय नहीं करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।